अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यू न्यूज़। मैं हूं मेहरीन खान। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। TDAD स्कैंडल में अदालत ने साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी समेत 25 से ज़ायद मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मलाला यूसुफ जई की वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फारूक सत्तार को MQM की कन्वीनियरशिप पर बहाल कर दिया और इलेक्शन कमीशन नवीद जमील और खालिद मकबूल सदीकी को नोटिस जारी कर दिए। गुज़िश्ता 4 सालों में BISP की कामयाबियों पर फख्र है वज़ीर आज़म। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंस की समाअत आज होगी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। अब मामलात में तेजी से पेशरफ्त होगी चीफ जस्टिस। किसी NRO से ताल्लुक नहीं, फौजी तर्जुमान। साद रफीक नैब में पेश बयान रिकॉर्ड करा दिया। वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान दौरा, टिकटों की फरोख जारी। इसी के साथ महरीन खान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।